वुमेन्स अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है टॉप 7 रीजंस टू फेल इन एसएसबी। फ्रेंड्स, आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज को इन हैंड होते हुए भी हमें नॉलेज की कमी क्यों है, हम क्यों फेल हो रहे हैं, हम हार्डवर्क भी कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कमियां जिसकी वजह से हम एसएसबी में फेल हो गए। उसके पीछे ये 7 रीजंस हैं। अगर उन पर आप थोड़ा सा फोकस करें और वर्कआउट करें तो आप बिल्कुल 100% सक्सेस की ओर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास चाहे वो इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड हो या इंटरव्यू से रिलेटेड, हमारे पास इंटरनेट का पर्याप्त साधन है, बहुत अच्छा साधन है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज की जानकारी बहुत ही कम समय में ले सकते हैं। देखिए, एक तो एसएसबी इंटरव्यू का जो सबसे पहला टेस्ट होता है, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, देन PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसके बाद सम बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें बहुत ही छोटी सी चीजें, बहुत ही आसान चीजें जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड की होती हैं, उसके बारे में वो टेस्ट लेते हैं उन सब चीजों को। देखिए, OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग में क्या होता है, आपका इंग्लिश, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंग्लिश, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब मिला के ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग होता है, ऑफिसर्स OIR टेस्ट होता है। अब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है कि इंग्लिश अप टू द क्लास 10th की इंग्लिश की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिस करें तो ये भी बहुत आसान सी चीज है। इसके बारे में हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि हम PPDT को कम टाइम में परफेक्टली कैसे, इसके लिए स्टोरी तैयार करें। देन सम बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, ये जो 3 टेस्ट आपके सामने मैंने बताए, इनके लिए जो आपके रिजेक्शन के कारण होते हैं, दैट इज पुअर हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ऑफकोर्स आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपकी हैंडराइटिंग, पर्सनालिटी, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना होना मीन्स अगर ऑफिसर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली उन्हें नहीं समझ में आएगा तो वो रिजेक्ट करते हैं। लैक ऑफ प्रिपरेशन, आपके पास इन सारी चीज की प्रिपरेशन नहीं है तो आपके रिजेक्शन की चांसेस बढ़ेंगे। देन पुअर कम्युनिकेशन स्किल, आप हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो, बट स्मार्टली बोलो, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ बोलो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझ में आए कि हाँ, आपके अंदर सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो स्क्रीनिंग की बात थी। स्क्रीनिंग को पास करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के और एसएसबी इंटरव्यूज के जो टेस्ट होते हैं उनमें वो रिजेक्ट हो जाते हैं। स्क्रीनिंग में क्यों फेल होते हैं वो हमने आपको बताया, स्क्रीनिंग के बाद क्यों फेल होते हैं और उसकी बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज नॉट नोइंग योर सेल्फ, कि अगर आप अपने आप को, खुद को ही नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं जानते। बिसाइड्स करंट अफेयर के अलावा, जनरल नॉलेज के अलावा, और भी जो बहुत सारी टेक्निकल थिंग्स हैं उनके अलावा, जो खुद के बारे में पता होना बहुत जरूरी है वो है आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, टाउन या स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जिस भी सिटी से, जिस टाउन से आप
बिलोंग करते हो वहाँ का जो भी इम्पोर्टेंस होती है आप उसको ज़रूर शेयर करो, उसको ज़रूर बताओ। इससे ऑफिसर्स को ये लगता है कि हाँ ही इज जस्ट अपडेटेड, ये पूरी तरह से सारी इंफॉर्मेशन से अपडेट है। देन सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। देखिए स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट गाइडेंस नहीं होता जिसके वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो प्रिपरेशन की कमी के कारण भी, प्रिपरेशन की कमी की वजह से भी वो एसएसबी टेस्ट में, एसएसबी इंटरव्यू में अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है हमारे पास सफिशियंट टाइम है और एसएसबी इंटरव्यू करना इज नॉट अ बिग डील, हम बहुत ही आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। वो कॉल लेटर का वेट करते हैं कि जब हमारा कॉल लेटर आएगा तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और ये बिल्कुल इज और फुलिशनेस। और जब आपका कॉल लेटर आता है आपके पास सफिशियंट टाइम नहीं बचता, सफिशियंट टाइम ना होने की वजह से आप हर स्कली में जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो भी लूज हो जाता है। जितनी भी आपको चीज़ें आई होती हैं या याद होती हैं आप वो भी भूल जाते हो। देन जो नेक्स्ट चीज होती है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रेस्पॉन्डिंग विदाउट थिंकिंग। आप जीडी राउंड में जाते हो, जीडी में आप बिना सोचे समझे, यहाँ पर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर हम एक ग्रुप को लीड करते हैं, हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, हम बहुत आउटस्पोकन होते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में बस ये होता है कि बिसाइड बीइंग अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू। आपको एक अच्छा स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर होने की भी ज़रूरत है। अगर सारे कैंडिडेट्स वहाँ आपको सुन रहे हैं तो आपका भी ये ड्यूटी है कि आप उनको सुनो और उनकी बात को परफेक्टली सुन के उनको आंसर दो। ये नहीं कि आपके पास जो पॉइंट है आपने बस जस्ट टू इनिशिएट द आर्ग्यूमेंट, आपने वो आर्ग्यूमेंट्स को इनिशिएट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए आप उनके पॉइंट्स पर आगे से आगे बोल रहे हो, नहीं। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी ऐसा नहीं कहती। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में यू हैव टू स्टे काम इन जी, आप बस अपने पॉइंट्स बोलिए, उसके बाद आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए और उन्हें सुनिए। इससे अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर, आप उनकी बात को बिल्कुल परफेक्टली आंसर कर सकते हो। आपके पास नॉलेज आएगी, दूसरों से भी नॉलेज लेना मींस बीइंग अ लर्नर इज अ गुड थिंग, ये भी एक अच्छा है कि आप दूसरों को सुन रहे हो, आपको उनसे नॉलेज मिल रही है। ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, ये आपके व्यक्तित्व को शो करता है। देखिए एक प्रोवर्ब है, थंडर क्लाउड्स हैव नो रेन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक्चुअली वहां पर यही होता है कि जिसके पास कम नॉलेज होती है वो ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। सो डोंट ट्राई टू ओवर रिएक्ट इन एसएसबी इंटरव्यू। आप एकदम डिसेंटली बैठिए, बस अपनी बात को बोलिए, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप बोलिए, फिर जब आपको दोबारा चांस मिलेगा तो आप फिर से बोलिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चांस मिलेगा, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट इज शोइंग रिग्रेट्स, फोर्थ पॉइंट इज शोइंग रिग्रेट। देखिए फ्रेंड्स हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, इट इज ऑल अबाउट लाइफ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें थ्रू आउट द लाइफ उस चीज़ को लेके रिग्रेट करना है कि हमारे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हम आगे कुछ कर नहीं पाए और वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हमारे लिए एक
ग्रिड्स आपको बिल्कुल शो नहीं करने हैं इंटरव्यू पैनल के सामने। उनको लगता है कि बहुत ही नेगेटिव फीलिंग वाला कैंडिडेट है ये, तो ये इसके पास अगर ऐसी नेगेटिव फीलिंग रही तो आर्मी में तो वैसे भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो फिर ये आर्मी को कैसे लीड करेगा। इसलिए जो भी आपके पास्ट के इंसिडेंट्स हैं या एक्सीडेंट्स हैं उनको भूल जाइए। उनको उनके सामने आप रख रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत बताइए कि उसकी वजह से वो ऐसा एक्सीडेंट है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और वो मेरे इमोशंस पर हावी है। ये चीज़ आपको उनके सामने नहीं बतानी, आपको बल्कि ये बताना है कि वो एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं एक लर्नर बन गया और मैं आगे अपनी लाइफ को बहुत ही कॉन्शियसली लेके चल रहा हूँ। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज लाइंग, मतलब झूठ बोलना। देखिए आप कितनी भी कोशिश करो कि आप झूठ बोलो, आप चीज़ों को ऑफिसर्स के सामने हाइड करो, उनको शो ना होने दो आप अपनी कमियों को, लेकिन इंटरव्यू पैनल बहुत ही कूल, बहुत स्मार्ट और बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। वो सूनर और लेटर को आपकी जो भी कमियां होती हैं, जो भी ये फेकनेस होती है, उसको वो बहुत अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए अवॉइड टेलिंग अ लाइ बिफोर इंटरव्यू ऑफिसर्स। आप जो भी है आप नेचुरली उनके सामने पेश आइए, उनके सामने जो भी वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली आपके साथ हो जाते हैं कि आप कंफर्टेबल फील करो उनके सामने और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है जब वो उनका ऐसा आप एटीट्यूड देखते हो। तो लेकिन वो ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके आपको कंफर्टेबल फील करा के आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन में से ही वो क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं। उन क्रॉस क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपका झूठ पकड़ में आया तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है that you are telling a lie. Then sixth point is lack of knowledge. देखिए SSB interview is an interview of 5 days. 5 दिन का interview होता है जिसमें from top to bottom सारी चीजों का assessment होता है। तो आपके पास अगर knowledge की कमी है, ज्ञान की कमी है, ज्ञान का मतलब आपके सब्जेक्ट्स का ज्ञान, बाकी करंट अफेयर्स का ज्ञान, जीके का ज्ञान, जितने भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं उनसे आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश हिंदी कोई भी न्यूज़ सुनिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस हो सके। आप कॉइन्स के बारे में जानकारी, करेंसीज के बारे में जानकारी रखें, आप ग्लोबल इश्यूज के बारे में जानकारी रखें और आप मैगजीन्स पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए और आप सारी जीके जीएस करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, जिससे कि आपके पास एक पूरा स्टोर हाउस बन जाए आपका माइंड प्रॉपर नॉलेज का। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रैक्टिंग अदर कैंडिडेट्स। ये भी जीडी का पार्ट है। अगर जीडी में आप किसी को बोलने नहीं देते, आप अटेंटिवली सुनते नहीं हो किसी की बात, तो ये भी एक रिजेक्शन का पार्ट बन जाता है। डोंट ट्राई टू मेक दैट जीडी लाइक अ फिश मार्केट। आप उसे फिश मार्केट नहीं बनाइए, आप उसे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज देके एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। देखिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट करने के लिए आप कई बार ऐसा होता है कि एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हो। आप सोचते हो कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि
और भी कैंडिडेट्स हैं, तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। आप बार बार एक पॉइंट को रिपीट करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बोल रहे हो, तो वो ओवर रिएक्शन और लैक ऑफ नॉलेज और इंटरप्शन शो करता है कि आप दूसरे कैंडिडेट्स को इंटरप्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 7 रीजन। अगर आप इन 7 रीजन्स पर फोकस करो, इन पर वर्कआउट करो, इनके लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पीपीडीटी की प्रैक्टिस करिए, जीडी की प्रैक्टिस करिए, वैट एसआरटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। तो फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा अपने फेलियर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और गिव अप करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अब सफलता हमसे बहुत दूर हो चुकी है और हम सफल नहीं हो सकते, तो उनके लिए एक प्रोवर्ब मैं कहना चाहूँगी, ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन एवर अचीव ग्रेटली। इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।